हाय फ्रेंड्स, आज मैं आपको क्लास का नेक्स्ट पार्ट पढ़ाने जा रहा हूँ। तो बात करते हैं पहले के पहले लेक्चर में हमने बात की थी नाउन क्लास की, आज हम बात करते हैं एडजेक्टिव क्लास, एडजेक्टिव क्लास एंड एडवर्ब क्लास। एडजेक्टिव क्लास अ सबॉर्डिनेट क्लास विद एक्ट एज एन एडजेक्टिव इन अ सेंटेंस इज कॉल्ड एन एडजेक्टिव क्लास। वह क्लास जिसमें एक सब्जेक्ट और एक प्रेडिकेट रहता है तथा एडजेक्टिव के समान कार्य करता है। यह प्रिंसिपल क्लॉज में प्रयोग होकर नाउन तथा प्रोनाउन की विशेषता बताता है। जैसे हमारा एडजेक्टिव का क्या, एडजेक्टिव का क्या कार्य होता है, नाउन प्रोनाउन की विशेषता बताना, सेम उसी तरह से यह भी हमारा वर्क करता है। इसका एग्जांपल देखते हैं, द चेयर विच हैज अ ब्रोकन लेग इज माइन। तो यहां पर विच हैज अ ब्रोकन, ये देखिए विच हैज अ ब्रोकन, क्या ब्रोकन है, चेयर, चेयर की विशेषता बता रहा है, इसलिए यह हमारा क्या हुआ, एडजेक्टिव क्लॉज हुआ। नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं, ही हेट्स द पुअर हु वेस्ट टाइम। वह उस आदमी से घृणा करता है जो समय बर्बाद करता है। तो यहां पर एडजेक्टिव क्लॉज क्या हुआ, हु वेस्ट टाइम। आगे चलते हैं एडवर्ब क्लॉज की बात करते हैं, अ सबॉर्डिनेट क्लॉज व्हिच एक्ट एज एन एडवर्ब इन अ सेंटेंस इज कॉल्ड एन एडवर्ब क्लॉज। वह क्लॉज जो सेंटेंस या वाक्य में एडवर्ब के समान कार्य करता है उसे क्या बोलते हैं, एडवर्ब क्लॉज बोलते हैं। कुछ नोट्स इसमें हैं, इसमें इन कंजंक्शंस का मुख्यतः प्रयोग होता है। यहां जो कंजंक्शंस दिए गए इन कंजंक्शंस का एडवर्ब क्लॉज में मुख्यतः प्रयोग होता है। जैसे कौन से कंजंक्शंस हैं, व्हेन, सिंस, अंटिल, अनलेस, इफ, इवन, ये कंजंक्शंस हैं। इन कंजंक्शंस को अगर याद कर लें कंजंक्शंस को तो भी हमें पता चल जाएगा कि ये हमारी एडवर्ब क्लॉज है। इसके बाद इसका एग्जांपल्स देखते हैं, कॉल मी व्हेन यू नीड माय हेल्प। मुझे फोन करना या कॉल करना जब मुझे तुम्हें मेरी जरूरत हो। तो यहां पर व्हेन यू नीड माय हेल्प ये हमारा हुआ एडवर्ब क्लॉज। इसके बाद स्ट्राइक द आयरन व्हाइल इट इज हॉट, लोहे को जब मारो जब वह गर्म हो। तो यहां पर व्हाइल इट इज हॉट ये हमारा एडवर्ब क्लॉज। तो ये क्लॉज का पार्ट हमारा दोस्तों कंप्लीट हुआ। इसके बाद हम आपके लिए नेक्स्ट वीडियो लेके आएंगे। थैंक यू, हैव अ गुड डे।